नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सीड ज्ञान चैनल के तरफ से मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मैं प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को मनोज कुमार सीड्स का मेज प्रोडक्ट्स मनोज किंग के नाम से जो जाना जाता है उसे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, ये मनोज किंग जो है मेज की बहुत ही अच्छी वैरायटी है। जैसे हम लोगों को पहले से भी मालूम है, मेज इज द क्वीन ऑफ सीरियल्स। इसकी इल्ड पोटेंशियल बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन हम मनोज कुमार सीड्स इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं मनोज किंग, इसके बारे में जानकारी आप लोगों के सामने देना चाहूंगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप देखें, ये जो हमारे हाथ में मनोज किंग हाइब्रिड्स जो हैं, इसकी क्या खूबियां हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी जो लाइन जो है बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है, एवं इसकी फीलिंग एकदम ऊपर तक, इसकी फीलिंग आप देखें एकदम ऊपर तक है। इसमें ग्रेन्स की संख्या जो है 52 to 60 जो है, एवं रो की जो डिस्टेंस, रो की जो संख्या है आपको 16 है, 16 है। तो इस ढंग से इसकी जो है यील्ड पोटेंशियली बहुत अधिक है। इसकी जो आपको ग्रेन टू हस्क रेशियो जो है आपको 80% है। इसकी ग्रेन जो है बहुत ही अच्छा मार्केटेबल येलो ऑरेंज का है, और ये इसकी जो है सेमी डेंट के अंतर्गत आता है। इसमें जो है मार्केट वैल्यू आपको जो है मिलती है, मार्केट वैल्यू मिलने से फार्मर को जो है प्राइस भी बहुत अच्छा मिलता है। इसकी ड्यूरेशन सब फार्मर को जो है जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न मिलना चाहिए। तो ये जो मेज की जो वैरायटी जो मनोज किंग है, आपको 95 डेज में 95 to 100 डेज में जो है आपको हार्वेस्ट हो जाता है। मीडियम मैच्योरिटी का जो है क्रॉप्स हैं, फार्मर इसे हार्वेस्ट करने के बाद जल्दी दूसरा क्रॉप्स भी ले पाएंगे। तो इस ढंग से इसकी क्वालिटी क्वांटिटी एज वेल एज इसकी प्रोडक्टिविटी जो बहुत ही अच्छी है। मैं पुनः जो है मैं मनोज कुमार मनोज किंग के बारे में आप लोगों को फार्मर फील्ड में इंट्रोड्यूस करने के लिए सजेस्ट करता हूं। इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए इसमें सिर्फ इतना फार्मर को प्रिकॉशंस करना होगा कि इसे टाइम पे फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करें, जिससे उनको और ज्यादा उत्पन्न मिलेगा। पुनः मैं मनोज कुमार सीड ज्ञान चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को आभार प्रकट करता हूं और नमस्कार करता हूं। जय हिंद।